हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN. स्टूडेंट, 11th चैप्टर ज्योग्राफी का, फिजिक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का 11th चैप्टर स्टार्ट किया है. वाटर इन द एटमॉस्फेयर, उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ. सेकंड पार्ट हमने अभी तक पढ़ा था कि वाटर वेपर और उसका क्या एयर से क्या रिलेशन है, और इसके द्वारा मैंने अभी आप तो पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है. सो नाउ, जो वेपोरेशन कंडेंसेशन होता है वो किन चार रूपों में गिरता है, तो वो आज हम बताएंगे. आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमोसफियर टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. फर्स्ट ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और क्लाउड. इन चार फॉर्म में वो वाटर वेपर वापस हमारे तक पहुंचता है. फॉलोइंग फॉर्म्स द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, लोकेशन. कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट. कंडेंसेशन कब होता है, ये कंडेंसेशन टेम्परेचर पर और वहाँ की लोकेशन पर निर्भर करता है. और कंडेंसेशन जब होता है, जब ड्यू पॉइंट बहुत नीचे तक चला जाता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है, और इतना हायर हो जाता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जाता है. सो फर्स्ट हम कंप्लीटली करेंगे कि ड्यू क्या होता है. व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, आप पानी की जो बूंदें एक रेन वाटर के रूप में हमारे पास आती है, ड्रॉपलेट्स ऑन द कूलर सरफेस और सॉलिड ऑब्जेक्ट रादर देन द न्यूक्लियर इन एयर, न्यूक्ली इन द एयर अबव द सरफेस. आपको पता है जब पानी की बूंदें हमारे तक पहुंचती है वो ड्यू फॉर्म में पहुंचती है, परंतु वो क्या होता है, जब बहुत ही कूलर सरफेस तक वहाँ पर पहुंचती है जहाँ पर ड्यू पॉइंट भी आ जाता है, सच एज स्टोन्स, ग्लास, ग्रास ब्लेड एंड प्लांट्स लीव. आप देखोगे कि छोटी छोटी बूंदें जो आप देखोगे पत्थरों पे रहती है, ग्रास पे रहती है, प्लांट्स पे रहती है, लीव्स पे रहती है, इज़ नॉन एज ड्यू. वो आपको ड्यू कहलाता है. द आइडिया भी आप अभी इन दिनों में आप देखेंगे विंटर सीजन में, ये बहुत आपको डेली आपकी कार पे, आपकी बाइक पे, सब जगह पर मिलेगी. द आइडियल कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन आर क्लियर स्काई, जो कि अभी साफ, इसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है, क्लियर स्काई होता है, क्लेम एयर होती है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होती है, जब रातें ठंडी हो और साफ साफ आसमान हो, ये सारी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ये सब फॉर ड्यू को बनाने का काम करती है. इट इज़ नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर का पॉइंट कहलाता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट फॉर्म ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान में फ्रॉस बनता है. द ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो और द फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाता है जब तापमान टेम्परेचर, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट ले लेता है और उसे फ्रॉस्ट कहते हैं. From the excess moisture is deposited in the form of minute ice crystal instead of water droplets. आपको पता है जब पानी की बूंदों के अंदर मॉइस्चर कोल्ड हो जाता है बिल्कुल, तो वो क्या करता है, वो फ्रॉस्ट का रूप ले लेता है और वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर हमें आइस नज़र आता है. द आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्रॉस्ट आर द सेम एज दोज द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, यही ड्यू की कंडीशन थी, क्लियर स्काई, लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट, ये सारी इसी के अंदर आती है, ये कंडीशन होती है, तब हमें फ्रॉस्ट का देखना मिलता है. सो यहाँ पर हम बता सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ड्यू एक्सपेक्ट दैट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ये जब भी होता है जब हमारा टेम्परेचर बिल्कुल बिलो पॉइंट पे, फ्रीजिंग बिलो पॉइंट पे नीचे आ जाता है. नाउ थर्ड कंडेंसेशन का कंडीशन, फॉग और मिस्ट. फॉग और मिस्ट क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर और एन एयर मास कंटेनिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉल्स ऑल ऑफ सडन कंडेंसेशन टेक प्लेस विद इन इट्सेल्फ और फाइन डस्ट पार्टिकल, जब हवा के अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स, धूल कण रहते हैं और टेम्परेचर और एयर मास क्या होता है, कंटेन करता है उन धूल कणों को, तो हमें फॉग देखने को मिलता है. सो द फॉग इज़ ए क्लाउड.
फॉग क्या होता है? कोहरा जिसे हम कहते हैं, एक क्लाउड होता है, एक तरह का बादल होता है विथ इट्स बेस एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड, जो कि बिल्कुल नीचे आ जाता है ग्राउंड में। हवा जब भारी हो जाती है तो वो ग्राउंड में नीचे हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो नीचे की तरफ उतर आते हैं, उनमें कैपेसिटी पानी की ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज ऑफ द फॉग और एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम पुअर एंड जीरो। आप कोहरा होता है तो हम धूल कण उसके अंदर रहते हैं और मॉइस्चर हवा का रहता है, ये धूल कण मॉइस्चर में मिल जाते हैं, इससे हमें दूर तक की विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, दूर तक का दिखना बंद हो जाता है। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स स्मॉग प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ न्यूक्लियर विथ हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। आप देखेंगे अर्बन मतलब ये शहरों में और इंडस्ट्रियल एरियाज में जहाँ पर धूल कण बहुत होते हैं या स्मॉग होता है, धुआं आता है, उनमें जब हवा के अंदर मॉइस्चर होता है वो उसमें मिल जाते हैं तो वो फॉग बन जाते हैं। यहाँ इसे सच एज ए इसीलिए वहाँ ज़्यादा दिखता है। सच ए कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्स विद स्मॉग, जब फॉग जब कोहरा कोहरे के अंदर धुआं मिक्स हो जाता है, इट डिस्क्राइब एज ए स्मॉग और वो क्या कहलाता है, धुआं हो जाता है एक तरह का, बहुत स्मॉग कहलाता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन मोर मॉइस्चर देन द फॉग। मिस्ट ऐसा पॉइंट आ जाता है फॉग से भी नीचे का पॉइंट जिसमें क्या कहता है, जिसके अंदर फॉग भी मिक्स हो जाता है और वो ज़्यादा हानिकारक होता है। इन मिस्ट ईच न्यूक्लियर कंटेन्स ए थिकनेस लेयर ऑफ मॉइस्चर। मिस्ट के अंदर धूल कण भी के साथ पानी का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। आप देखेंगे ये कहाँ पर मिलता है, माउंटेन्स में ज़्यादा मिलता है, आप गीले भी हो जाते हैं उससे। मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप मीट ए कोल्ड सरफेस थिकनेस। मिस्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंटली माउंटेन पर मिलता है राइजिंग, जब कहाँ पर होता है, जब वार्म एयर होती है वो ठंडी हवा से मिक्स होती है कोल्ड सरफेस की, और वहाँ पर मिस्ट बहुत मिलता है। फॉग आर ड्रायर देन मिस्ट। जो फॉग होता है वो सूखा होता है जबकि मिस्ट क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। सो फॉग आर मिंट क्लाउड इन विच कंडेंसेशन टेक प्लेस अराउंड न्यूक्लियर प्रोवाइड बाय द डस्ट स्मोक एंड सॉल्ट पार्टिकल। जो मिस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या छोटे छोटे फॉग्स क्या होता है, क्लाउड्स होते हैं जिनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, स्मॉग होता है, स्मॉग होती है, सॉल्ट के नमक के पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स रहती है। सो आई थिंक मिस्ट और फॉग में डिफरेंस आता है स्टूडेंट, वो हमेशा याद रखना आप। नेक्स्ट आता है क्लाउड्स। क्लाउड्स कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में कवर करूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।